हेलो दोस्तों, आज आपके सामने आए हैं पीलिया की दवाई लेकर, जिसको हम हिंदी में भूमि अम्ला बोलते हैं, जो हमारे आसपास आराम से पाया जाता है। भूमि अम्ला का पेड़ जो हमारे सामने दिख रहा है, उसके नीचे पत्तों के नीचे फल लगे रहते हैं, जो उसके सही पहचान है। हमारे इसके लिए हमें 2 से 3 पेड़ चाहिए, बड़े हों तो 2, थोड़े छोटे हों तो 3, और अगर बहुत ही छोटा है तो 5 पेड़ लेकर हमारे मिक्सी में हमको डालकर उसको सूखा पीसना है। जैसे हमारे सामने जार रखा है, जार में हमने सूखा पेड़ डाल दिया, अच्छे से धो के जड़ सहित जो हमने डाल दिया है, जड़ भी लेना है, पूरा पेड़ को लेना है, जड़ सहित लेके उसके अंदर डाल के हमने उसको अच्छे से ग्राइंडर में सूखा हमको पीसने जा रहे हैं। उसको हम डाल के सूखा पीस देते हैं, पूरा अच्छी तरह से महीन तौर पर पीसना है। इस्तेमाल करने से पहले उसको ये निश्चित कर ले कि वो अच्छी तरह से पिस गया है। उसके बाद उसको निकाल के एकदम संभाल के पूरा जितना कुल उसमें हमको मिला है उस सबको अच्छी तरह से निकाल के हम अपने एक बर्तन में हटा देंगे, जो हमारे आगे के प्रयोग में काम आएगा। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बचता है तो कल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो ज़रूरत है वो एटलीस्ट जो आपका टेबल स्पून का, 1 टेबल स्पून के हिसाब से हमको चाहिए। वो हम देख सकते हैं कि सामने हमारे प्लेट में लगभग 1 टेबल स्पून का 2 पेड़ को पीसने से हमको मिला है, उसको हम अपने प्लेट में लेंगे। उसके बाद गाय का दूध, एक बार और बोल दूँ, गाय का शुद्ध दूध के अंदर इसको डाल के एकदम भोर सुबह खाली पेट अगर सेवन करते हैं तो हमारा पीलिया 3 दिन में जो काउंट है वो बहुत फर्क आएगा। हमारा शरीर में पीलिया है तो हमारे शरीर में पीलिया 3 दिन लगातार पियेंगे तो फर्क आएगा। अगर आपको ज़्यादा है पीलिया तो 1 हफ्ते तक इसका सेवन कीजिए, आपके शरीर में जितना पीलिया का प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट